अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शब्बीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रंजीत निगारा। रंजीत निगारा वॉट्स द रंजीत निगारा। रंजीत निगारा इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंटिका सिटी कैलिफोर्निया स्टेट USA। हाँ जी जी असी थानू गाहे बगाहे अपडेट देंदे रहने हैं और मिर्जा साहब भी किसी तारफ के मुताज नहीं है। आप जदों भी इतने आने हैं इन दी एक्सपर्ट ओपीनियन जी साढ़े नाल ही होंगी है क्योंकि आप डे वन तो कट्ठे ही हाँ। तो सो अपना सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान और सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान और खालसा राज फुटस्टैप्स इन पाकिस्तान इन्हों के मुतलक असी बहुत ज़्यादा सारे फुटस्टैप लभे हुए हैं और असी उन्होंने खुशकिस्मत लोगों के हाँ कि जिन्हों की वीडियोज़ जड़िया ने बहुत ज़्यादा वायरल हुई सन एक्सट्रॉर्डनरली वायरल हुई और रिजल्ट तुसी आज देख रहे हो कि साड़ी USA बैठी हुई टीम जी है जिन्हों की लीड कर रहे हैं अपना सतप्रीत सिंह जी और साड़ी टेक्निकल फीडबैक वास्ते साढ़े पिछे मौजूद हैं अमरीक पलहा जी। तो उन्होंने जी एक ख्वाब है प्रिजर्व करन दा खालसा हिस्टरी नू या पंजाबी सभ्याचार नू प्रिजर्व करन वाला वो कित्थे तक आपां तोड़ पहुँचे हाँ आप तो असी कहते हैं कि अपने मूँह असी तुहानू दसदे ही रहने असी की कर रहे हैं। तो असी मिर्जा साहब जो कि हमेशा उदों आ रहे हैं अजकल साढ़े नाल ही आ रहे हैं उस तो अलावा बहुत घट इन्हां दा चक्कर लगता क्योंकि सारे यही देखना चाहते हैं कि जल्दी नाल पूरा हो जाए तो असी देखिए। तो अज के मतलब असी मिर्जा साहब की भी गलबात जी शेयर करने हैं कि भी मिर्जा साहब ने अज कि तब्दीली देखी लास्ट जी गलबात देखी सी तुसी पसंद की बहुत शुक्रिया तुसी सपोर्ट करते हो बहुत शुक्रिया और प्लीज़ सानू अगे भी सपोर्ट करते रहो जी। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम सलाम जी। जिस तरह के बाबा जी ने गल की है असी काफ़ी कम फौज का पंजाब दे नाल जुड़ी हुई हिस्टरी का काफ़ी काम कट्ठिया किया है वक् वक्की किया है कट्ठिया बहुत सारा काम है बहुत सारी दुनिया मेन काम कट्ठिया किया है दुनिया के भारत बैठे हुए बहुत सारे जाने वाले ने जोड़े साढ़े काम भी देखते हैं। तो ये गुरद्वारा साहब जोड़ा गुरद्वारा चौहा साहब पहली पातशाही है इतने मेरा शुरू तो काफ़ी टाइम तो आवन जान से मेरा जिला है मेरा शहर है और जिला है। तो इस गुरद्वारा साहब नू हाईलाइट किया बाबा जी नाल रल के इत्थे असी फोटो वॉक्स करवाइया फिर संगतां नू भी लैके आए और एक ये आबादी तो हट के एक जंगल दे विच एक वीराने दे विच गुरद्वारा सी रोहतास कोट दे बार बार ते इत्थे आम लोगों का या आम टूरिस्ट का भी आमना घट ही सी आस्ता आस्ता हाईलाइट होया संगतां नू पता चलिया कि बिल्डिंग मौजूद है 1834 वाली महाराजा रणजीत सिंह बाबा गुरु नानक साहब का ये मतलब जो इतने आए और उन्होंने इतने आमना और चोहा चोहे का या चश्मे का जारी करना तो सिख इतिहास के भी सिख मज़हब के सिख हिस्टरी के इसकी बड़ी खास अहमियत से तो आस्ता आस्ता काम होंदा रहा संगत आमदिया रही मतलब ये हाईलाइट होंदा रहा फिर कहें रब जी को कम लेना चाहे तो रब ने कम लिया रणजीत निगारा को ते आज एक गुरुद्वारा तकरीबन एक साल पहला असी पहली वीडियो इत्थों की थी जिस वेला एक कम होन जा रहा सी आज तकरीबन एक साल होन वाला है अगले महीने अगस्त तो लैके सितंबर तक अगस्त में ही असी वीडियो की थी मैं याद है। तो आज जो मैं देखना तो आज मैं नज़र आता है कि एक गुरुद्वारा साहब जोड़ा है ये अपनी वो असल शक्ल जी है वो निकल आई है जी कि पुरानी पुरातन या हिस्टोरीकल शक्ल से विच चक्कर लगता रहा बाबा जी नाल वीडियो भी की असी देखते रहे हूँ इसका काम जोड़ा छोटे 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 बारीकी वाला जोड़ा काम है वो काम हो जा रहा वड्डा मेजर काम हो चुका कैसा लग रहा जो चीज़ा बाहर जी जी मैं वही कह रहा कि वड्डा मेजर काम तो हो गया यानी इस तरह हूँ जो छोटे छोटे बारीकी वाला काम है ना जोड़ा कि टोटली समझ लो कि बड़ी एहतियात वाला काम भी छोटे छोटिया मैं देखिया अंदर मैं अंदर देखिया कि छोटिया छोटिया है तकरीबन एक एक इंची त इंची की करंडिया एक एक इंची दिया करंडिया उन्होंने नाल छोटा छोटी जी तफसील है इसकी चिरागदान ने जोत जगाने जगह या ये अंदर जोड़े फुल बूटे कबूतरखाना फुल बूटे बने हुए ने उन्हू हूँ वो सारा कुछ सामने ले आ रहा है जोड़ा कि वक्त दे नाल नाल मतलब कि 70-72 साल हो गए पार्टीशन भी थे वो सारा कुछ वक्त दे नाल मौजूद तो है सी किसी ना किसी शक्ल कोई टुट पज गया कोई वो छुप गया कि उसके ऊपर वक्त दी समझ लो धूल मिट्टी जम गई काई जम गई वो सारा कुछ बाहर निकल आया और बहुत कुछ और भी निकलिया इतना और जोड़ा काम हो रहा है यात्री निवास के कमरे जो उन्होंने खुदाई की गई है असल बुनियादी जड़िया सीढ़िया सन वो कड़िया गई ने जड़िया कि ये सिर्फ
एक दो तीन चार सीढ़ियां बाहर सन, चार सीढ़ियां सन, ते चार ही थल्ले मजीद सीढ़ियां इस पासे भी ते उस पासे भी दोवां पासे निकलियां ने जिहड़ियां के साडियां नजरां तों वी ओझल सन। अज दा असीं काम देखिए इस पासे भी देखो ते इस पासे भी एक दो तीन चार चार सीढ़ियां सन या पांच सन, उस तों बाद थल्ले जितनियां सीढ़ियां ने देखो इस चरण गंगा जिथे के गुरद्वारे विच आवण लई एक गुरद्वारे दी रहत मर्यादा है कि तुसीं पैर धो के आंदे हो ते वह एक छोटा जिहा होज बणिया हुंदा है पाणी वाला, मैं आम लोगों को समझा रहा जिन्हां नूं चरण गंगा का नहीं पता, उत्थे पैर धो के फिर तुसीं गुरद्वारे विच इन आउंदे हो, वह असल निकलिया। फिर होर बड़ी तफसील नाल इहदियां अंदर वालियां चीज़ां निकलियां ते वह रंजीत नगारा का जिहड़ा विषय सी, मैनूं कई दोस्तों ने सवाल किया कि जी ये सरकार सेवा के नाते जो कुछ होंदा है तो कि इस गुरुद्वारे नाल भी वो कुछ ना होवे, तो मैं उन्हां लोगों को एक जवाब दिता, मैं क्या अगर ऐसा कुछ होया तो सब नाल पहला इसकी मुखालफत मैं करांगा, इहदे अगेंस्ट मैं जाऊंगा कि जिहड़ी असल उहदी शक्ल है उसनू ही कायम रखो जिहड़ी इतिहासिक है जिहड़ी हिस्टोरिकल है। ये नहीं कि बिल्डिंग तरोड़ के तो उत्थे तुसीं सोना ला दिओ जी मार्बल ला दिओ जी तरह तरह, नहीं, असल जिहड़ा इतिहास है जिहड़ी उहदी असल शक्ल है ये गुरुद्वारा बिल्कुल उसे विच उसे शक्ल दे विच प्रिजर्व हो रहा है। ठीक है, मैं विच विच जितना थोड़ा थोड़ा बहुत चक्कर लगा मैं देखता रहा, इहदी किसे चीज़ नू नहीं छेड़िया गया जिहड़ी कि 1834 वाली महाराजा रणजीत सिंह दे जमाने दी, इहदे नाल सानू ये भी पता चलता है कि उस जमाने का आर्कीटेक्ट के सी किस तरह सी आर्कीटेक्चर किस तरह सी बिल्डिंग्स किस तरह बनदियां सन इट दा इस्तेमाल कित्थे कित्थे किस तरह किया जाता सी, तो सारा मटीरियल हुण भी यूज किया जा रहा वो ही मटीरियल जिहड़ा मटीरियल उस वेले अगर इस्तेमाल होया कि जाफरान इस्तेमाल होया जी हाँ इटा सारा वो कुछ जिहड़ी नानक शाही साइज दी इट सी वह इट और सारा कुछ वही बना गो कि इस गुरद्वारा साहब की ब्रिटिश पीरियड के रिपेयर होया ये गुरद्वारा, मगर अंदर असल बिल्डिंग सॉलिड बिल्डिंग आज भी मौजूद है। तो मैं देख के जाती तौर पर बड़ी खुशी हुई कि एक एग्जाम्पल भी है एक मिसाल भी है कि जिहड़े लोग कार सेवा कराना चाहते हैं आ के देखो कार सेवा यह आती है, कार सेवा यह नहीं होती कि तुम बिल्डिंग तोड़ दो ते नवे सिरे तू उत्थे मार्बल ला दियो सोना चढ़ा दियो। अच्छा, सारा कुछ लोग कन्वर्सेशन च तुहाडे कोल पुछदे ने कि भी ये सैल्फ प्रेजेंस कीती जा रही है सैल्फ एडमायरिंग करवाई जा रही है इहदे च कैदी सैल्फ एडमायरिंग हो रही है? नहीं, सैल्फ तो सैल्फ की इस चीज़ का जी इहदे पिछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है एक NGO है उहदे नाल बहुत सारे लोग जुड़े हुए ने, इत्थे आर्कीटेक्ट ने इत्थे काम करने वाले राज मिस्त्री ने सतप्रीत वीर जी ने बाहर बैठे हुए ने, ओ सेल्फ ते कोई एक बंदा ते नहीं करवा रहा इते पूरा एक पूरे तुहाडे नाल कन्वर्सेशन हुई है इंटरनेशनल लेवल दी कन्वर्सेशन चल रही है एक ग्रुप दे विच, जी हां जी वो तुहानू पुछदे ने कि भी तुसी ये ते सेल्फ एडमायरिंग वाला काम हो रहा है असी इत्थों फारग हो के ते असी जाना है अपना भाई करम सिंह दे गुरुद्वारे ते ही जाना है ते उत्थे तुसी दसना उत्थे दसी दसना कि भी सेल्फ एडमायरिंग किस चीज़ दी होई है। नहीं, मैं उही कह रहा ना कि ये ते पिछे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है एक टीम वर्क है, कल्ले बंदे दा ते काम नहीं, बाबा जी दा सिर्फ काम ते नहीं है कि बाबा जी नू कर रहे ने, बाबा जी की एक ड्यूटी है कि जिहड़ा अपडेट है जिहड़ी जिहड़ा मीडिया दे अपडेट जिहड़ा करना है काम कित्थे पहुंचिया कित के कितना रह गया की हो चुकिया उस नूं तुसी इस मैं सेंस विच ते नहीं लै सकते। तो बहरहाल बहुत खुशी की गल है, मनू मैं अगे भी कहा कि जाती तौर पर परसनली मनू बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये जगह जिन्हों असी हाईलाइट करते रहे जिथे जिदे बारे च आवाज़ चुकते रहे अज वो तकरीबन कोई इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे साल दे विच कंप्लीट हो जाएगा काम, बारीकी वाला थोड़ा थोड़ा काम रह गया ते जल्दी इत्थे संगतां दी आमदोरफ्त होएगी, बाकी सिलसिला भी नाल चलता रहेगा लंगर हाल। जिहड़ियां वॉल्स खाली सन जिन्हां ते प्लस्तर चढ़िया होया सी जां जिहड़ियां इट्टां नंगियां सन जां छत दी है तुसीं सारी ईच एंड एवरीथिंग देख के आए हो, क्या तुसीं मुतमईन हो? जी हाँ, बहुत अच्छा काम होया है, वो ही कुछ जिहड़ा कि मैं जिस तरह दस्सिया कि वो जिहड़ा असल शक्ल सी उहदे विच ही नूं लिया जा रहा है, जैसे जैसे काम कंप्लीट होएगा एक उदी होर शक्ल नज़र आएगी। आज तो सानू बाजार पीछे नज़र आ रहा गौं लगियां ने और सारा कुछ है ये उसकी ज़ाहिर है काम हो रहा है तो उस दिन लगी हटन गियां फिर इहदी इस वानू मजीद खूबसूरती और शक्ल जिहड़ी है। मेरा पैगाम ये है जी पाकिस्तान दे विच असी कहंदे हुंदे आ अक्सर कि 80% सिख धर्म और सिख इतिहास नाल जुड़िया होया विरसा है इस पासे पाकिस्तान दे विच, बहुत सारा अच्छी हालत भी चाहिए तो बहुत सारा माड़ी हालत भी चाहिए, तो संगत जी है वह मिसाल के तौर पर अगर गुरद्वारा चूहा साहब का काम हो रहा है तो संगत मजीद अगर ये वध चढ़ के हिस्सा लवेगी तो फिर तुम
अगर संगत ही दिलचस्पी नहीं लैण ली तो संगत ते नहीं कह सकदी कि इहदी हालत है। लोग कह रहे ने कि तुसी रंजीत निगाह वालों को फलाणा गुरुद्वारा मकसद तुहानू भी रिक्वेस्ट आ चुकी है। जी हां बिल्कुल आ चुकी ने। मकसद यह है कि संगत की दिलचस्पी जितनी बढ़ेगी उतना ये चीजा प्रिजर्व होणगियां, उतनी सेवा संभाल होएगी। संगत की दिलचस्पी बड़ी जरूरी है। संगत जिहड़ी है इहदा मतलब है कि रंजीत निगाह दी ईच एंड एवरीथिंग नूं वेख रही है। हां बिल्कुल, रंजीत निगाह जो कर रहा है उहनूं संगत देख रही है, पर संगत बैठ के सिर्फ गल्लां ना करे, संगत प्रैक्टिकली जो कर सकती है रंजीत निगाह का साथ दे है, माली तौर पर दे सकती है और मोरल सपोर्ट भी कर सकती है जिस तरह भी है। तो इंशाल्लाह फिक्र ना करो, मैं फिर ये गल कहांगा कि इंदी जिहड़ी पुरातन हालत है उन्हूं असी बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचण दे। मिर्जा साहब दे विचारधारा सी अबाउट आ हिस्टोरिकल प्लेस जिहड़ी है, एक बहुत ही पुरातन बाबा गुरु नानक साहिब का गुरद्वारा जिहड़ा कि सिख राज नाल भी जुड़िया होया, यानी कि लाहौर दरबार दे नाल भी और उस तो बाद सिखिज़म दे नाल भी, यानी कि थ्रू आउट खालसा हिस्टरी दे नाल जुड़ी हुई है जगह है, जिहदे मुतलक आपां तुहानू गाए बगाए खुद तो आपां तुहानू अपडेट दिंदे ही रहने हैं, लेकिन एक्सपर्ट अज एक स्टूडेंट बीइंग है, चाहे मेरा बेटा ही सी वो देख रहा है, वो को उस वेले कोई रिटन क्वेश्चन नहीं सन। इस तरह मिर्जा साहब नाल भी लाइव कन्वर्सेशन हो रही है, ये कोई कटिंग नहीं होनी, ये कोई एडिटिंग नहीं होनी। उन्होंने जो देखा और जिस तरह कहा कि भी लोगों दड़िया ने एक्सपैक्टेक्शन जीडिया ने वह बढ़ रही ने, पिछले दिनों अपना दरबार साहब अमृतसर एक अंडरग्राउंड चैंबर निकलिया है और वो थले भी तुम देखा है लोग तफसील लिख रहे हैं कि रंजीत निगाह ही इन प्रिजर्व करे कि वह प्यारा ननकाना भी पंजाबी कल्चर एंड हैरीटेज भी लोग डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ जी डिमांड कर रहे हैं। देखो जिस तरह के जी मेरे न जिस तरह बहुत सारे दोस्तों का मसल सखर वाली संगत है वो आइए तो वह कह रहे हैं, मैं खुद देखा वो गए मखदूमपुर भोड़ा साजन ठंग वाले सज्जन ठग वाला जिहड़ी सराय सी सरां सी उहदे बारे च वी उन्हां अपील की रंजीत निगाह नूं, इह पहली धर्मशाल है सिख धर्म की, तो उन्होंने कहा भी वह भी रंजीत निगाह रिपेयर करवाए। इस तरह और कई जन यानी लोगों पता पता लग मैं आ रही है कि एक रंजीत निगाह अलग आ रही है, उन्होंने भी बेलां जा रही ने। तो इस वास्ते गल फिर हुई है कि लोगों की उम्मीदा जड़ियाँ बढ़ रही संगतां दी, संगत के करती है सवाल है क्वेश्चन मार्क है कि संगत दे विच कितना योगदान पाती है, कितना हिस्सा देती है, कितना माली या मोरल सपोर्ट जिस किस्म की हो सकती है वो कितना करती है। इस चीज़ का जिहड़ा सवाल करे ना, मैं उहदे नूं कहना होना कि भाई जी तुसी दसो कि तुसी के कीता है या तुसी के करना चाहते हो, सवाल ही है ना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है अज बैठ के गल्लां करना आसान है, अगे वधो आओ इत्थे रंजीत निगाह नाल राबता करो, अमेरिका च मौजूद ने और इस वीडियो ते भी उन्हां दा ईमेल और सारा कुछ चल रहा हुंदा है। और दूजा मिर्जा साहब ईच एंड एवरीथिंग जिहड़ा एक एक पाई दा हिसाब किताब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका कोल है, यानी उत्थे पूरा जो जो बाहरों भी जा रहा है डोनेशन जा रही है अगर रंजीत निगाह कोल ते उहदा सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ते तुसी इस वास्ते फिक्र ना करो ते वध चढ़ के हिस्सा लवो। इहदे विच पाकिस्तान दे विच जिहड़े बैठे लोग जिहड़े अरदासां करदे हो कि सुबह शाम अरदास करदे हो कि जिहड़े गुरधाम जिहड़े गुरद्वारे या संगत तों विछड़ गए ने उन्हां दी सेवा संभाल बख्शी जाए, ते ओह काम शुरू है हुण। उस काम दे विच तुहाडी उस जिहड़ी अरदास है उहदे विच हुण तुहाडा प्रैक्टिकली अमली तौर ते हुण हिस्सा लैणे दा वक्त। बहुत शुक्रिया जी। गल उही आ रही है जिहड़ी कि आपां हर वीडियो दे एंड विच कहिंदे आ कि कीप सपोर्ट एंड कीप शेयर। कीप सपोर्ट दी रंजीत निगाह नूं तुसीं सपोर्ट करोगे, एक्सपैक्टेशंस ते लोकां दीआं वधदीआं जा रहीआं ने। 10 गुरुद्वारियां दी लिस्ट मेरे कोल आ चुकी है कि भी तुसीं रंजीत निगाह नूं रिक्वेस्ट करो, तुसीं मीडिया एडवाइजर हो ते तुसीं उहनां नूं कहो, वो 5-10 दी जिहड़ी है मिर्जा साहब कोल भी मौजूद है। जिस तरह कि आपां श्री अकाल तख्त दी नाल जिहड़ी बिल्डिंग निकली है गुरुद्वारा श्री अमृतसर साहिब दे विच, उत्थे भी जिहड़ा कि रंजीत निगाह दा नाम बोलिया जा रहा और ऑफिशियल तौर पर राबता भी किया गया। ये चीज़ा तां ही पॉसीबल ने कि जे संगत जिहड़ी है अपना योगदान जिहड़ा वो रंजीत निगाह नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन दे नाल पाएगी तो फिर ही वो गल बनेगी, वरना दुआवां अरदासां जिहड़ियां ने वो तां 73 सालां तो आपां करदे ही आ रहे हैं, लेकिन हुण प्रैक्टिकली मिर्जा साहब बार बार कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली इहदे च योगदान पाण दा वक्त आ गया है, वो समय आ गया है, तो वह रब ने बख्शिश जिहड़ी कीती है वह रंजीत निगाह नूं कीती है। असीं बहुत शुक्रगुजार हाँ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, नाल दी नाल ही असीं इवाक्यूटरस प्रॉपर्टी बोर्ड के और गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान के जिन्हां ने पल पल लम्हा लम्हा जिहड़ा वो साडा साथ दिता, टीम का साथ दिता, रंजीत निगाह का साथ दिता कि अज तुहानू आपां इत्थे तक पहुँच गए हैं कि लोग हुण सानू सेवा वास्ते कहन लग पए ने, ते आपां अज अगला जिहड़ा पड़ाव है साडा अगली साडी जिहड़ी वीडियो है नैक्सट है
ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ।